आज के दिन किसी भी प्रकार की धातु की वस्तु खरीदना हमारे अति शुभ होगा। शास्त्रों में ये भी लिखा है कि जो आज के दिन सोना चांदी पीतल कार कुछ भी खरीदता है तो उसकी 13 गुना वृद्धि होती है। तो आज के दिन कोई भी वस्तु खरीदना बहुत शुभ है। धन्वंतरी प्रभु आरोग्य के देवता भी हैं, इसलिए हमें उनसे रोग से मुक्ति प्राप्त करने की भी प्रार्थना करनी चाहिए जी। अगर हम मंत्र की बात करें, ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनेशा विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोक बताए महाविष्णु स्वरूपाय श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 औसत चक्र नारायण नमः। राजेश जी थोड़ा सा और विधि बताइए, क्योंकि लोग खरीदारी तो कर रहे हैं, ये आपने बताया, क्या इसका महत्व है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये भी आप बता रहे हैं, लेकिन आज के धनतेरस के दिन पूजा अर्चना कैसे लोग कर सकते हैं, और खासतौर से वो लोग जिनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं, जिनको पता नहीं है कि दरअसल एग्जैक्टली कैसे पूजा करनी है, उनके लिए क्या विधि हो सकती है, एक सरल विधि जो कि सब कर सकें, मैं चाहूंगा इसको जरूर बताएं। जी जी, एक लकड़ी का पाटा लें, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछाएं, लाल वस्त्र के बीच में थोड़े से चावल रखें, चावल के मध्य में एक कलश को स्थापित करें, कलश स्थापित करने के बाद उसके अंदर जो भी धन हो आपके पास, चाहे सोने का कोई पहनावा हो वो हो, चाहे उसके अंदर सिक्के हो, सारे सिक्के उसके अंदर रख दीजिए, और धन्वंतरी प्रभु की देसी घी का फूल वाली दीपक लगा के उससे पूजा करनी चाहिए। वो पूजा करने से उनके यहाँ निरोगी काया रहेगी, और जो धन उन्होंने उसके अंदर डाला है वो 13 गुना वृद्धि को प्राप्त होगा। इस तरह उनको धन्वंतरी के प्रभु की पूजा करनी चाहिए, कुबेर जी की भी पूजा करनी चाहिए, माँ सरस्वती की और महालक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। जी पंडित राजीव शर्मा जी, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा कि क्या इसका कोई मुहूर्त भी है, और अगर मुहूर्त है तो वो क्या है, और विशेष किन बातों का ख्याल आज रखना है धनतेरस की पूजा के भी समय, और खासतौर से खरीदारी जब करने जा रहे हैं तो विशेष क्या ख्याल रखना चाहिए, थोड़ा सा इस विषय को भी बताएं। देखिए मुहूर्त का अर्थ होता है शुभ समय, मुहूर्त का अगर आपको अर्थ होता है शुभ समय, तो जो भी काम शुभ समय किया जाता है उसका 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 गुना लाभ प्राप्त होता है। इसलिए शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अगर दिन के समय कोई आदमी कुछ खरीदना चाहता है तो वो चौगड़ी के अनुसार खरीद सकते हैं, लाभ का चौगड़िया, सुख का चौगड़िया और अमृत का चौगड़िया। और पूजा की बात करें तो पूजा का समय जो रहेगा श्रेष्ठ, वो 8:40 से 10:34 तक का समय रहेगा, उस समय उनकी पूजा करनी चाहिए। और ये बात ध्यान रखें कि धन्वंतरी देवता की पूजा करने से पूर्व आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, बस यही एक चीज है जिसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जी पंडित राजीव शर्मा जी, ये भी थोड़ा बताइए, चूंकि लोग आज खरीदारी करने के लिए निकलते हैं, बड़े उत्साहित भी होते हैं, लेकिन ऐसी क्या विशेष वस्तु है जिसको खरीदा जाए आज के दिन तो उसका जो फायदा है वो ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली उनको लेना क्या है, ऐसी क्या चीज खरीद सकते हैं, और खरीदारी के समय भी क्या ख्याल रखना चाहिए, थोड़ा समय चाहूंगा कि ज्योतिष के हिसाब से इसको भी समझाएं। देखिए ज्योतिष के अनुसार अगर हम राशियों की बात करें तो राशियों के अनुसार आदमियों को मेष वृष मिथुन कर्क सिंह तुला वृश्चिक धनु
मकर मीन राशि, इन राशियों वाले लोगों के लिए, सभी राशि वालों के लिए, 12 राशियों की बात कर रहा हूं मैं, 12 राशियों वालों को सोना चांदी पीतल एक लक्ष्मी गणेश जी का सिक्का अवश्य खरीदें, और लक्ष्मी गणेश जी का सिक्का खरीदकर मां लक्ष्मी की पूजा करते समय उसको पाटे के ऊपर रखें। पाटे के ऊपर रखेंगे तो उससे 4 गुना धन की वृद्धि होगी। मां लक्ष्मी, जब अपन गणेश जी लक्ष्मी जी का सिक्का खरीदेंगे, ओम विघ्नराय गं गणपतेय नमः, ओम महालक्ष्मेय नमः। मनी मन, अभी हम सिक्का खरीद रहे हैं दुकान से, जी जी, दुकान से सिक्का खरीदते समय हमें खाली मनी मन इस मंत्र का जाप करते हुए इस सिक्के को अपने पास रख के और घर लाना चाहिए। जी पंडित राजेश शर्मा जी, ये भी बताइए, आज के दिन ये जो धातुएं खरीदते हैं, क्योंकि आप धातु को किसी भी रूप में आप ले रहे हैं, चाहे आप उसको सोने के सिक्के के तौर पे या चांदी के सिक्के के तौर पर या बर्तन के स्वरूप में, लेकिन इन धातुओं को खरीदने का दरअसल असल महत्व है क्या? इसके पीछे जो ज्योतिष है वो क्या कहता है? क्यों आज के दिन जो खरीदारी है उसको शुभ माना जाता है? थोड़ा इस विषय को भी बताएं। जी मैंने आपसे निवेदन किया था कि धन्वंतरी प्रभु अमृत कलश, कलश उनके हाथ में था, तो कलश जो तांबे का कलश था, इसलिए हमने कहा कि धातु की कोई भी वस्तु आज के दिन खरीदने से उसका 13 गुना वृद्धि होती है। ये बात हमारे शास्त्रों में लिखी गई है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आज इसको खरीदने का ज्योतिष कारण यही है कि समुद्र मंथन में धन्वंतरी प्रभु अमृत कलश लेके उत्पन्न हुए थे, इसलिए हमने कहा आज कोई भी धातु की वस्तु खरीदना अति उत्तम रहेगा। जी पंडित राजेश शर्मा जी, ये भी बताएं कि क्या आप जो अलग अलग राशि के लोग हैं या अलग अलग जातक जो हैं, क्या उनके लिए कुछ अलग अलग प्रावधान भी ज्योतिष कहता है, और क्या उनको कोई विशेष ऐसी जो सावधानियां हैं वो बरतनी है, या उनके लिए कुछ विशेष आज करने की जरूरत है, और अगर किसी राशि विशेष के लिए कुछ और बेहतर हो सकता है तो मैं चाहूंगा उसको भी थोड़ा विस्तार पूर्वक समझाएं, क्योंकि ज्योतिष के अंदर तो सारी चीजों का समाधान। देखिए जी, देखिए जैसे राशियों के अपने अपने रंग होते हैं, अपने अपने कलर होते हैं, जैसे मेष राशि का कलर लाल होता है, तो पूजा करते समय, वैसे तो लक्ष्मी जी की पूजा करते समय सभी लोग अगर लाल वस्त्र पहने तो बहुत उत्तम है, लेकिन मेष राशि के लोग अगर लाल कलर की कार खरीद के लाएं, लाल कलर के वस्त्र खरीद के लाएं, पूरा लाल ना हो तो चलेगा, लेकिन कुछ लाल हो तो उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। वृष राशि के लोगों के लिए उनका रंग सफेद होता है, इसलिए उनको चमकीले वस्त्र जिसमें सफेद अधिक दिखाई दे वो खरीद सकते हैं, सफेद कार खरीद सकते हैं, सफेद रंग का मकान खरीद सकते हैं, सफेद धातु यानी चांदी की धातु खरीद सकते हैं, सफेद धातु यानी हीरा खरीद सकते हैं, ये वृष राशि के लोग खरीद सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि का कलर हरा होता है, इसलिए हरे रंग की वस्तु उनके लिए बहुत शुभ रहेगी, हरे रंग के वस्त्र उनके लिए बहुत शुभ रहेंगे, और आज के दिन अगर वो कोई वृक्ष लगाते हैं तो वो भी उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब हम बात करते हैं मेष वर्ष मिथुन कर्क राशि की। कर्क राशि का रंग चूंकि सब पीला होता है तो उनके लिए सोना खरीदना बहुत उत्तम रहेगा। कर्क राशि के लोग अगर सोना खरीदते हैं, सोने के आभूषण खरीदते हैं, या स्वर्ण कलर का कोई भी वस्तु खरीदते हैं, या स्वर्ण कलर के कोई भी वस्त्र खरीदते हैं तो उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। ये सब लोग ये भी ध्यान रखें, राशि वाले लोग, मैंने जो राशियां पहले बताई है इन राशियों का दान भी करें, इस वस्तु का अगर इस कलर की वस्तु का दान भी करेंगे तो वो भी उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब हम करते हैं मेष वर्ष मिथुन कर्क सिंह राशि की। सिंह जी, जी जी पंडित जी अपनी बात कंप्लीट करें फिर मैं अगले सवाल पे आता हूं। आप कुछ कोई सवाल? जी, तो सिंह राशि के लोग जो हैं उनका कलर वापिस वही होगा जो सूर्य का कलर होता है, इंद्रधनुषी कलर बोलते हैं इसको हम।
अगर इंद्रधनुष कलर मिल जाए, या लाल रंग भी सूर्य का कलर होता है, लाल रंग भी वो लाल रंग की वस्तु या लाल रंग की धातु कोई भी खरीद सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि का कलर पुनः हरा होता है और वो वही खरीदें जो मिथुन राशि के लोगों के लिए बताया गया है जी। इसके बाद वृश्चिक राशि आती है जिसका कलर वापिस पुनः लाल होता है, तो लाल रंग की वस्तु को वो फिर खरीद सकते हैं। उसके बाद धनु राशि होती है, धनु राशि का कलर वही बृहस्पति का कलर होता है जिसको हम पीला कलर बोलते हैं। पीला कलर वही सोने की धातु यहां वापिस आ जाती है तो उसमें चले जा सकते हैं। और इसके बाद धनु राशि के बाद मकर राशि आती है। मकर राशि मंगल की उच्च की राशि होती है, मकर राशि शनि की राशि भी होती है, इसलिए काले तिल या तेल का दान करना बहुत शुभ रहेगा। काली वस्तु खरीदने के लिए मैं नहीं कहूंगा, उसकी जगह वो कोई भी स्टील का बर्तन खरीद सकते हैं। मैंने पीतल का बर्तन नहीं कहा है, स्टील के बर्तन को वो खरीद सकते हैं और स्टील के बर्तन को दान भी कर सकते हैं। मकर और कुंभ दोनों राशि शनि की राशि होती है, इसलिए दोनों एक ही तरह से कार्य करेंगे जी। पंडित जी, एक चीज और मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि आप सोना चांदी या पीतल ये जो धातुएं हैं इसके तो लोग सामान या फिर सोने चांदी के सिक्के या फिर अन्य आभूषण वगैरह लोग खरीदते हैं, लेकिन कुछ लोग जब बर्तन खरीदने के लिए जाते हैं तो स्टील के या फिर एल्युमिनियम के या फिर लोहे के, इन सारी चीजों की भी खरीदारी वो लोग कर लेते हैं। क्या आज के दिन ये खरीदारी करना शुभ है या फिर हम लोग सिर्फ सोना चांदी या पीतल इन्हीं धातुओं से बनी हुई चीजों को खरीदें? देखिए, धातु स्टील जो होता है वो तो धातु आता है लेकिन वो लोहे का धातु होता है। लोहे की धातु को खरीदने के लिए धनतेरस तो ठीक है, लेकिन दिवाली कदापि ठीक नहीं रहेगी क्योंकि उस दिन शनिवार है। लेकिन एल्युमिनियम की वस्तु ना खरीदें, एल्युमिनियम वस्तु का कोई तात्पर्य नहीं है खरीदने का, फिर भी कुछ खरीदना, कोई कुछ भी खरीदे, मैं इतना निवेदन करूंगा भक्तगणों से कि आप छोटी सी छोटी चीज खरीदें, स्वयं की जितनी आपकी श्रद्धा हो उतनी खरीदें, लेकिन कोई भी चीज एल्युमिनियम की ना खरीदें, पीतल की खरीद लें, चांदी की खरीद लें, सोने की खरीद लें, चाहे एक चम्मच ही खरीद लाएं, बहुत होगा। भगवान भाव के भूखे होते हैं, वो आपकी जेब में नहीं देखते हैं जी। बिल्कुल पंडित जी, लेकिन एक चीज और मैं समझना चाहूंगा आपसे, क्योंकि अब चूंकि आज भगवान धनवंतरी की और भगवान कुबेर की और माता लक्ष्मी की, सरस्वती की, सबकी पूजा करते हैं, विशेष आज ख्याल हम लोगों को जो रखना है वो तो आप बता रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या करें जिससे जिन भगवान की, जिन आराध्य की हम पूजा करने जा रहे हैं वो सर्वाधिक प्रसन्न हो, चाहे वो खरीदारी के रूप में हो या फिर हम उनको पूजा के तौर पे कुछ अर्पण कर सकते हो, अगर इस विषय को थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक समझा दें तो बड़ी आसानी होगी हमारे दर्शकों के लिए जो आपको सुन रहे हैं इस समय। देखिए, अभी मैंने आपसे सबसे निवेदन किया था कि एक कलश की स्थापना करें, सबसे शुभ होगा कि तांबे का कलश खरीद के लाएं और तांबे के कलश को स्थापित करें और तांबे का कलश के ऊपर मोली बांधें, लाल रंग की मोली बांधें, नीचे चावल की ढेरी लगाएं, उसके ऊपर कलश को विराजमान करें और अपनी पूर्ण श्रद्धा के साथ ईश्वर पे पूर्ण विश्वास करते हुए मैं भक्तगणों को बताना चाहूंगा कि श्रद्धा का तात्पर्य होता है जहां संदेह ना हो, जहां संदेह होता है वहां श्रद्धा नहीं होती है। इसलिए कोई संदेह अंदर नहीं रखें और घर में जितने भी आभूषण हैं उस कलश में प्रवेश करवा दें और बिल्कुल भी निश्चिंत होके कराएं, किसी प्रकार का भय से ना डरें और वही धन साल भर के अंदर अंदर उनको 4 गुना 13 गुना तक वृद्धि करा देगा। इस बात का ध्यान रखें और धनवंतरी प्रभु की और गणेश जी की, मां सरस्वती की और कुबेर जी की और लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करें तो उनको लाभ ही लाभ होगा। बिल्कुल पंडित राजेश शर्मा जी, एक चीज और बताइए, चूंकि आप इतने सारे आपने देवी देवताओं के नाम यहाँ पर लिए हैं तो क्या इन सभी की अलग अलग तरीके से आराधना करनी, अगर करनी है तो फिर उसके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए,
कोई मंत्र ऐसा जो कि हम लोग एक मंत्र से ही सबकी पूजा कर सकें या आराधना कर सकें, क्योंकि लोग बहुत इन सारी चीजों को बड़े उत्सुकता के साथ समझना चाहते हैं, क्योंकि लोग पूजा तो करने बैठते हैं लेकिन एग्जैक्टली करना क्या है वो पता नहीं होता है। तो इतने सारे देवी देवताओं, फिर इनको कैसे इनकी पूजा करनी है, कि अलग अलग मंत्रों से इनको खुश करना है, इनके लिए अलग अलग खरीदारियां करनी है, इनके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं करनी है, या कुछ ऐसी व्यवस्था जिससे सबका अब काम हो सके, तो मैं चाहूंगा इसको भी थोड़ा सा बताएं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग खाद्य सामग्री खरीदनी है, अलग अलग आप निवेदन खरीदने हैं, अलग अलग वस्तु खरीदने, ऐसा नहीं है। सभी देवताओं के लिए एक ही वस्तु है, एक ही आपने दीपक प्रज्वलित किया है, वही दीपक आपको सभी देवताओं को दर्शन कराना है, और आपको पूजा के अंदर ओ के अंदर ही सभी देवताओं का वास होता है। हमने कहा ओम एम रीम क्लीम, इतना बोल दीजिए। अब इसके अंदर सभी देवता है। ओम का मतलब होता है परब्रह्म, जो सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र हैं, और एम का मतलब होता है मां सरस्वती, जो हमारी वाणी की देवती है, देवी है, और जो हमारे सरस्वती बुद्धि की देवी है। रीम का मतलब होता है महालक्ष्मी, मां लक्ष्मी, जिनके हम श्रीम, श्रीम जो देती है, धन देती है, माया देती है। हम यहां पर मोह माया की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ माया की बात कर रहे हैं। और क्लीम का मतलब होता है हमारे दुश्मनों का, जो नाश कर सकते हैं। दुश्मन जो होते हैं वो आंतरिक दुश्मन होते हैं, काम, क्रोध, लोभ और मोह। हम बाह्य दुश्मनों की बात नहीं कर रहे हैं, आंतरिक दुश्मनों का नाश होता है। तो बहुत छोटा सा मंत्र मैंने बताया है, ओम एम रेम क्लीम, ओम एम रेम क्लीम। पंडित राजेश शर्मा जी, एक चीज तो और मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा, क्योंकि कोरोना की वजह से इस बार बहुत सारे हम लोगों ने जो बातचीत की है, खासतौर से वो व्यापारी जो कि अपने व्यापार को लेकर के बड़े उत्साहित रहते थे, अब ये बात तो उनके लिए हो गई जो खरीदारी करने जा रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, घर के अंदर पूजा कैसे करनी, ये तो आपने बता दिया, लेकिन दुकानों के अंदर भी लोग थोड़ा सा निराश हो रहे थे, तो वो आज क्या विशेष ऐसा कर सकते हैं कि उनका जो व्यापार है उसमें बढ़ोतरी हो, भगवान उनके ऊपर भी प्रसन्न हो, अगर उनके लिए कोई विशेष पूजा या उनके लिए कोई विशेष ऐसी चीज तो मैं चाहूंगा जरूर बताएं। जी, मैं बहुत छोटा सा उपाय बताऊं सभी भक्त व्यापारी गणों के लिए, बहुत छोटा सा उपाय। एक तांबे का लोटा लें, तांबे के लोटे के ऊपर मोली बांधे, पहले भी मैंने बताया, उसमें जल ले लें। जल हमारे यहां शुद्ध माना गया है, क्योंकि जल में भगवान विष्णु का विराजमान होते हैं, क्षीर सागर में भगवान विष्णु विराजमान होते हैं, इसलिए जल हमारे यहां बहुत शुद्ध माना गया है। तो अपना जब भी कारोबार चालू करें, अंदर आए, पहले जो भी वो पूजा पाठ जैसी भी करते हैं करें, नहीं करते हैं तो वो उनकी मर्जी है, ऐसी कोई खास बात नहीं है, लेकिन लोटे में जल भरें और उस लोटे को दुकान के बाहर इस तरह फेंके जैसे जल को हम बिछा रहे हैं या बरसात की तरह फैला रहे हैं। उससे उनके दुकान में या उनके व्यापार में जो भी व्यक्ति अंदर प्रवेश करेगा वो कुछ ना कुछ खरीद के अवश्य जाएगा। जी चलिए, आप पंडित जी, ये बहुत बढ़िया बात आपने बताई, जो व्यापारी आपको इस समय सुन रहे होंगे उनको भी जरूर इसका बहुत लाभ मिला होगा, और जिन दर्शकों ने सुनी आपकी बातों को उनको भी इसका लाभ जरूर मिलेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस तमाम बातों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मैं जीवन हूं, जानते तो होंगे आप मुझे, आपके अंदर भी तो हूं। कोई मुझे पेड़ों की छांव में ढूंढता है,